जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पर लीड्स। ये लीड्स है, लीड्स का स्टेशन है। अभी मैं बाहर निकला हूँ लीड्स से, अब मैं जाऊँगा बाहर शहर की तरफ। देखते हैं कि कैसा है ये शहर। बहुत खूबसूरत, ये बड़ा इनका रेलवे स्टेशन है। ये एक एग्जिट है वे आउट का, और ये तस्वीर है आप उधर से करते हैं। हम लोग देखते हैं बिहार में कैसे लोग हैं। बड़ा मशहूर, बड़ा इनका स्टेशन है। ये बहुत मशहूर है, यूके का बड़ा शहर है। ये कश्मीर बड़े शहरों में है। यहाँ की चीज़ें खास नहीं हैं, तो ये काफ़ी ठंडा शहर है। इस वक्त यहाँ पर शाम के 6:30 उठते हैं, और टेम्परेचर इसका है इस वक्त 6, यानी कि अच्छी खासी ठंड है। अगर हम पाकिस्तान में 6 टेम्परेचर पे हों तो यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये अभी रात को 2 तक जाएगा इनका यहाँ का टेम्परेचर। जबकि इसकी नस्बत अगर हम लंदन देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है। ये भी एक साइड है एक जाने के लिए बाहर, ये देखें कार पार्किंग है। लेकिन ये वे आउट है सामने वाला, ठीक है। हम वे आउट से जाएंगे बाहर और अपना जो है अपना सफ़र जो है वो पैदल शुरू करेंगे बाहर जाने का। ये देखें आप, हम बाहर जा रहे हैं। ये इनका बाहर जाने का रास्ता है। ये देखते हैं खुला है या बंद है। ये खुला हुआ है। ये देखिए खूबसूरत शहर। ये बिल्डिंग चेक करें आप, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग है। ये आप नज़ारा करें इसका, ये कल्चर है इनका, खूबसूरत कल्चर है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये स्टेशन की बाहर की साइड है, ये स्टेशन है मुकम्मल तौर पे, देखें आप, ठीक है। और ये लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं। ये देखें आप, ये खूबसूरत शहर है, पुरअमन सा शहर है। खामोशी है आज, हालांकि आज संडे है ना, आज इसलिए खामोशी है। ये इनकी जो असल कल्चर है इनका, ये देखें आप, ये मुजस्मे जो हैं, स्टेचूज ये इतने बनाए होते हैं हर तरफ। आप देख रहे हैं कि ये देखें बाहर क्वींस होटल है, ठीक है। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत इलाका है, ये बहुत खूबसूरत शहर है। और मुझे तो बड़ा पसंद आया है ये, शुरू से जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये पसंद आता है शहर। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने साथ दिखाऊंगी। बसेस हैं डबल डेकर जो होती हैं। ये सामने इनका ये कोई बिल्डिंग है, पता करता हूँ कौन सी बिल्डिंग है ये। ठीक है, देखिए ना खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर। ये घोड़ा जो है इसने पता नहीं क्या किया था कि उसको यहाँ पर उसका स्टेचू बना के लगा दिया है। कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या ये। ये है जी द ब्लैक प्रिंस हैं कोई, उनका बनाया हुआ है ये स्टेचू है। देखिए क्या खूबसूरत शहर है ये। अभी हम शहर के अंदर एंटर होंगे, देखेंगे कि अंदर से शहर की क्या खूबसूरत, ठीक है। जी देखें जनाब, ये इनका चर्च है, बड़ा खूबसूरत ये चर्च। देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत है, देखने से तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अब अंदर से कैसा है। इनके अच्छे होते हैं चर्च, इनके जितने भी हैं। हम जा रहे हैं, ये एक टावर है इनका जिसका नाम है सिटी एक्सचेंज, ठीक है। वहाँ जाते हैं, अंदर इंटर होते हैं यहाँ से। देखिए ये शहर कैसा है, खूबसूरत शहर है ये, पुरअमन सा। ये देखें दोस्तों, मैं इस मॉल से इंटर हुआ, तो अभी यहाँ पर एक्चुअली शाम का टाइम है, तो दूसरा ये संडे है आज, तो 4 बजे संडे वाले दिन तमाम शॉप्स वगैरह वो बंद हो जाती हैं। यहाँ से मैं इंटर हुआ। ये दूसरा रास्ता है जो कि
आता है लीड्स स्टेशन की तरफ से। ये मॉल है, अभी यहाँ पर कुछ खाने पीने की शॉप्स तो ओपन है लेकिन अंदर मार्केट बंद हो गई क्योंकि आज संडे है, इसलिए जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, हम इधर ही घूमते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये शॉप बंद हैं लेकिन ये जो शॉप है क्लोथ्स ये ओपन है। देखिए आप, यहाँ पर असल में हलाल फूड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इस इलाके में, इस जगह पर, क्योंकि ये सेंटर है, टाउन है। ठीक है, लेकिन अंदर आप जाएंगे दूसरी तरफ तो वहाँ से आपको इजीली आसानी से हलाल फूड मिल सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये मैं आपके सामने, ये सामने पिनिकल्स है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। ठीक है, मुझे इसी बिल्डिंग में जाना है जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको लीव्स का सफ़र करने के लिए जो मैं निकला हूँ तो आपको उसमें अपने साथ रखूँ। ये देखिए, ये कॉर्न बेचता है, स्वीट कॉर्न। ये देखिए, यही स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, लोग इससे लेते हैं यहाँ पर, ये अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। ये चेक करिए आप, क्या खूबसूरत शहर है, क्या नज़ारे हैं यहाँ। लेकिन असल में आज संडे है इसलिए रौनक इसकी मध्यम है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी दिन मैं जब दोबारा यहाँ आया और मॉर्निंग में यहाँ आया तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ में गुफ्तगू भी करूँगा आपको यूके के शहर लीड्स की तमाम तर इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा और आपको अपने साथ लेके चलूँगा, घुमाऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।